हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्ले डेड मूवी को, जो कि एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है पैट्रिक लुसियर ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.1 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हैं, मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की क्लोई को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। उसे अपने मेल बॉक्स में से बैंक का नोटिस मिलता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसके घर को अब बैंक नीलाम करने वाली है। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम क्लोई को समझ लेते हैं। क्लोई की माँ की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई थी और उसकी मौत के गम में उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया था। और उसके पिता ने इस घर को बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसे वो भरने से पहले ही मर गए थे। और यहाँ पर क्लोई बैंक का MI नहीं चुका पाई थी, इसलिए बैंक वाले उसके घर को नीलाम करने वाले हैं। और इस बात से क्लोई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वह तुरंत ही सारी बात बताने के लिए अपने भाई TJ को फोन करती है, जो कि उसका फोन ही नहीं उठाता है क्योंकि वह एक रॉबरी करने में बिजी होता है। और TJ यहाँ पर रोज के साथ होता है, जो पहले क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था। और वो दोनों यहाँ पर एक शॉप में रॉबरी करने वाले होते हैं, ताकि रॉबरी से मिले हुए पैसे से TJ अपना लोन चुका पाए। यहाँ पर रोज उस शॉप में रॉबरी करने के लिए एक नकली गन को लेकर चला जाता है और कार के अंदर TJ उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही उस शॉप में गोली चलने की आवाज आती है और रोज जख्मी हालत में बाहर निकलता है। और उस शॉप का होनर TJ को भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो रोज को यहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और TJ सीधे अपने घर जाता है, जहां पर उसकी हालत देखकर क्लोई उससे पूछने लगती है, तो TJ उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर क्लोई को रोज की चिंता होने लगती है, तो वह रोज को देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन TJ उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अब तक मर गया होगा। फिर हम रोज के बॉडी को देखते हैं, जो शायद मर गया होगा। और उसके पास पुलिस ऑफिसर शेरिफ भी होता है, जो उसकी बॉडी को मार्ग में भिजवा देता है। इधर क्लोई TJ से पूछती है कि उन्होंने रॉबरी कैसे प्लान की थी, तो TJ उसे बताता है कि उन्होंने रॉबरी का प्लान रोज के iPhone पर किया था, जो कि रोज के पास ही रह गया है। यह सुनकर क्लोई काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो। अगर रोज का iPhone पुलिस के हाथ लग गया तो TJ को कम से कम 25 साल की सजा हो जाएगी। जिसके बाद क्लोई सोचकर एक प्लान बनाती है, जिसमें कि वो किसी तरह उस मॉर्ग के अंदर जाएंगे और रोज के फोन को वहां से बाहर निकाल लाएंगे, ताकि TJ से जुड़ा हुआ सारा सबूत मिटाया जा सके। फिर दोनों उस मॉर्ग के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर मॉर्ग के कैमरे के सामने जाकर क्लोई मॉर्गमैन से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। और वो बहाना बनाती है कि शाम को उसकी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो मर गई थी और उसकी बॉडी यहाँ पर रखी गई है, और वो उसे आखिरी बार अलविदा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ TJ बाउंड्री के तार को काटने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर उस मॉर्ग का कुत्ता आ जाता है। यह सब अंदर से कैमरे में मॉर्गमैन देख रहा होता है, जो क्लोई को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उन्हें अंदर जाने से पहले उन्हें ऊपर का टिकट कटाना होगा। तो दोनों फिर TJ के एक फ्रेंड के पास जाते हैं, जो कि एक डॉक्टर होती है, और वो दोनों उसे पैसे देकर एक खतरनाक ड्रग लेते हैं। और वो एक ऐसा ड्रग होता है जो कि इंसान को कुछ घंटे के लिए बेहोश रखता है, और देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो इंसान मर चुका है। फिर क्लोई एक ब्रिज के नीचे जाती है, जहाँ पर TJ उसे ड्रग लेने से मना करता है, क्योंकि उस ड्रग का ज्यादा डोज लेने पे इंसान हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला देगा। तो यहाँ पर क्लोई उसकी बात नहीं मानती है और वो आखिरी वक्त TJ को बचाना चाहती है, और TJ से कहती है कि उसके बेहोश होने के बाद TJ पुलिस को फोन करके बता देगा। और वो TJ को मॉर्ग के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, जिसके बाद क्लोई उस ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। और जब क्लोई की आँख खुलती है तो वो सीधे मॉर्ग में होती है, जहाँ पर वो उठकर रोज की बॉडी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पर रोज की बॉडी नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर मॉर्गमैन आने लगता है, जिससे डर कर क्लोई फिर से कपड़ा ओढ़कर मरने का नाटक करने लगती है। जिसके बाद मॉर्गमैन अंदर आता है और सभी बॉडी के टैग को चेक करने लगता है, तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि क्लोई की आंखें खुली हुई है, जो उसे ही घूर रही है, और वो काफी देर तक अपनी पलक को नहीं झपकाती है। तो मार्गमैन को ऐसा लगता है कि ये ऐसी बॉडी है जिसकी आंखें खुली रह गई है। जिसके बाद वो वहां से एक बॉडी को लेकर चला जाता है और वो दरवाजे को बंद होने के लिए छोड़ देता है, लेकिन चुपके से क्लोई उस दरवाजे को बंद होने से पहले ही रोक लेती है। और क्लोई उस मार्गमैन को जाने के बाद वहां से बाहर निकलती है और वह एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की की बॉडी दिखती है, जिसके शरीर से उसके सारे बॉडी ऑर्गन निकाले गए होते हैं। यह सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है
और क्लोई को यहीं पर एक नर्स के कपड़े भी मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है और उस आदमी के पीछे जाती है और देखती है कि वो आदमी कंट्रोल रूम में बैठकर सभी कैमरों पर निगरानी रख रहा है। इसके बाद वो आदमी एक बॉक्स को लेकर गेट पर जाता है जहाँ पर एक आदमी आया होता है जो कि माफिया का आदमी मिनिक्स होता है और वो मार्गमैन यहाँ पर उसे वही बॉक्स देता है जिसके अंदर इंसानी ऑर्गन होते हैं और मिनिक्स यहाँ पर उसे एक अर्जेंट में लीवर की डिमांड करता है तो मार्गमैन उसे एक घंटे बाद बुलाता है। यह सब देखकर क्लोई समझ जाती है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम के नाम पे सभी बॉडी से उनके ऑर्गन को निकालकर ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। इसके बाद क्लोई वहाँ से हटकर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर उसे रोज की बॉडी मिल जाती है तो क्लोई यहाँ पर रोज को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी अचानक से ही रोज की आँख खुल जाती है और वो अब तक जिंदा होता है तो क्लोई उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो तो रोज उसे बताता है कि वो पहले से ही जिंदा है लेकिन उसे मरा हुआ साबित करके ये लोग उसे यहाँ पर लाए हैं। फिर क्लोई देखती है कि रोज के शरीर पे टाके लगे हुए हैं जिसकी वजह से क्लोई समझ जाती है कि मार्गमैन ने उसी की किडनी को निकालकर अभी अभी बेचा है जिस वजह से रोज को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तो क्लोई कहती है कि वो रोज को यहाँ से निकाल कर रहेगी लेकिन रोज उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है और क्लोई उसकी बात नहीं मानती है और उस मॉर्गमैन के पीछे चली जाती है जहाँ पर मॉर्गमैन अपनी सारी चीजें निकालकर एक टेबल पर रखता है और वो एक बॉडी से ऑर्गन निकालने लगता है। यह सब देखकर क्लोई को उल्टी जैसा फील होता है लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करती है और चुपके से वहाँ से चाबी को चुरा लेती है और वो सीधे रोज के पास जाती है और रोज को लेकर वहाँ से निकलने लगती है और वह एक एक गेट को चाबी की मदद से खोलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गमैन देखता है कि उसकी चाबी वहाँ से गायब है जिसे वो हर जगह ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक नर्स की ड्रेस गायब है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है तो वह तुरंत ही कंट्रोल रूम में जाकर देखता है जिसमें कि वो क्लोई और रोज को देख लेता है और वो तुरंत ही कंट्रोल बटन से सभी गेट को लॉक कर देता है जिसके बाद वो क्लोई के पास स्लीपिंग गैस को छोड़ देता है जिसकी वजह से क्लोई और रोज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब क्लोई की आँख खुलती है तो वह एक स्टेयर पर बंधी हुई होती है और दूसरे स्टेयर पर रोज बंधा हुआ होता है और उनके पास वही मॉर्गमैन होता है जो कि अपना नाम कॉर्नर बताता है और वो कहता है कि वह कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है लेकिन उसे यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी लेकिन क्लोई ने यहाँ पर आकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि क्लोई यहाँ पर कुछ ही घंटे की मेहमान है और कॉर्नर रोज को मारने के बाद वो क्लोई को भी मार देगा। तब क्लोई उससे कहती है कि वो अभी एक फॉरेंसिक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे पता है कि डॉक्टर का क्या काम है लेकिन यहाँ पर कॉर्नर उसका गलत यूज कर रहा है और वो लोगों की बॉडी के ऑर्गन को निकाल कर बेच रहा है जिस पर कॉर्नर कहता है कि उसे पता है कि बॉडी ऑर्गन कितने महंगे बिकते हैं जिसे वो बेचकर काफी अमीर हो जाता है और कहता है कि वो ऐसा करके लोगों की जान बचा रहा है क्योंकि उसके द्वारा बेचे गए ऑर्गन से किसी को नई जिंदगी मिल जाती है। जिसके बाद कॉर्नर यहाँ पर रोज के पेट को चीरकर उसके लीवर को बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से रोज की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर क्लोई वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है तो उसे चुप कराने के लिए कॉर्नर उसके मुंह में एक ग्लव्स को डाल देता है। तभी कॉर्नर की बेटी का फोन आता है जो उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है तो कॉर्नर कहता है कि वो आज घर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा काम है। जिसके बाद कॉर्नर रोज की लीवर को एक बॉक्स में डालता है और उसे लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लोई खुद को फ्री करने की कोशिश करने लगती है जिसमें कि वह एक सर्जिकल नाइफ से अपने बेल्ट को काटने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह नाइफ उससे छूटकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद क्लोई वहीं पर रखे हुए सर्जिकल ग्लेंडर को उठाती है और उससे कैसे भी करके अपने बेल्ट को काट लेती है तो वहीं दूसरी तरफ कॉर्नर भी उस ग्लेंडर मशीन की आवाज़ को सुन लेता है तो वह सीधे ही उस कमरे में जाता है जहाँ पर क्लोई नहीं होती है तो कॉर्नर उसे हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन उसे क्लोई कहीं भी नहीं मिलती है तो उसे ऐसा लगता है कि क्लोई शायद कंट्रोल रूम में गई होगी तो वो तुरंत ही सीधे कंट्रोल रूम में जाने लगता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि क्लोई रोज के स्टेयर के नीचे बड़ी मुश्किल से छिपी होती है जो वहाँ से बाहर निकलती है और रोज से कहती है कि वो उसकी मौत की बदला जरूर लेगी। जिसके बाद क्लोई वहाँ से एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर को लेती है और वो सीधे एविडेंस रूम के पास जाती है जहाँ पर वो उस गैस से उस लॉक को तोड़ देती है और अंदर जाकर रोज की एविडेंस को ढूंढने लगती है तो उसे रोज के बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर उसे एक नकली गन मिलती है और वो उस नकली गन को लेकर वहीं पर छिप जाती है क्योंकि वहां पर कॉर्नर भी आ चुका होता है जो सामान को बिखरा हुआ देखकर समझ जाता है कि क्लोई यहीं पर है और उसे उस बॉक्स के अंदर से रोज का आईफोन मिलता है। तभी वहां पर क्लोई भी आ जाती है
जो उसे सीधे गन पॉइंट पर ले लेती है और उस फोन को मांगने लगती है। तो कॉनर कहता है कि इतना बड़ा रिस्क तुमने बस इस आईफोन के लिए लिया। इस पर क्लोई कुछ भी जवाब नहीं देती है और यहाँ पर कॉनर समझ गया होता है कि यह गन नकली है, क्योंकि फॉरेंसिक प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी भी असली गन यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है। और कॉनर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो क्लोई उसे शूट कर देती है और उस गन के अंदर से एक प्लास्टिक की गोली निकलती है जो सीधे कॉनर के आंख में जाकर लगती है और उसके वजह से उसका खून निकलने लगता है। और क्लोई यहाँ से भागने लगती है और वो सीधे वहाँ के बेसमेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे बहुत लोगों की बॉडी दिखती है और सब बॉडी अभी तक जिंदा होती है, लेकिन सभी बॉडी के अंदर से कुछ न कुछ ऑर्गन निकाला गया होता है, जिससे क्लोई को एक बात और समझ में आ जाती है कि कॉर्नर यहाँ पर लोगों को किडनैप करके भी लाता है और उनके बॉडी ऑर्गन को निकालकर बेचता है। इधर कॉर्नर उस फोन को अनलॉक कर लेता है और उसे टीजे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो वो सीधे कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो क्लोई को देख लेता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि क्लोई यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए आई है, जिससे कि अनजाने में ही क्राइम हुआ है। लेकिन कानून की नज़र में टीजे एक क्रिमिनल है और अब कॉर्नर उस मोबाइल को पुलिस को दे देगा, जिससे क्लोई चाहकर भी अपने भाई टीजे को नहीं बचा पाएगी। रही बात क्लोई की तो कॉर्नर उसे ढूंढकर मार देगा, जिसके बाद कॉर्नर अपने डॉग को क्लोई की गन सुंघाता है और क्लोई को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर क्लोई कैसे भी करके कॉर्नर के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर वो टेलीफोन से टीजे को फोन करती है और कहती है कि वो यहां से चला जाए, बल्कि हो सके तो वह स्टेट छोड़कर कहीं दूर चला जाए। तो टीजे उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो क्लोई उससे कहती है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो फोन पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तभी इनका फोन कट जाता है, क्योंकि वहाँ पर कॉर्नर पहुंच चुका होता है और उसने टेलीफोन वायर को काट दिया था और वो अपने कुत्ते को क्लोई को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा देता है। तो क्लोई अपनी जान बचाकर भागने लगती है। बाहर टीजे पुलिस को फोन करके शेरिफ को बुलाता है और कहता है कि वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता है, लेकिन उसकी बहन इस मोर के अंदर फंसी है जिसे वो बचाना चाहता है, जिसके लिए वो शेरिफ से मदद मांगता है। और अंदर क्लोई भागकर एक गेट के पास आती है ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन गेट लॉक होता है और क्लोई के पीछे वही कुत्ता पड़ा होता है। तभी क्लोई को यहाँ पर वही लीवर बॉक्स दिखता है, जिसमें से वो लीवर को बाहर निकाल लेती है और उस लीवर को एक कमरे में फेंक देती है। तो कुत्ता उस रूम में चला जाता है, तो क्लोई उस रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है, जिसके बाद क्लोई सीधे कंट्रोल रूम में जाती है और देखती है कि उसका भाई टीजे शेरिफ को लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो क्लोई उन्हें अंदर आने के लिए कंट्रोल बटन से सारे दरवाजे को अनलॉक कर देती है और वो भी भागकर शेरिफ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर क्लोई शेरिफ को यहाँ की सारी सच्चाई एक्सप्लेन करती है और शेरिफ भी उनकी सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन वो उल्टा उन्हें ही मारने लगता है क्योंकि वो भी इन सब में मिला हुआ होता है और कहता है कि क्लोई उनका इतना जल्दी भांडा नहीं फोड़ सकती है। और ऐसा कहते ही वो टीजे को मारने लगता है। तभी क्लोई वही नकली गन निकालती है और शेरिफ को गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर वो टीजे को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है और उसकी गन से शेरिफ डरने लगता है। और यहाँ का सीन अंदर से कॉर्नर देख रहा होता है, जो कि शेरिफ को बताता है कि उसकी गन फेक है। तो शेरिफ उन्हें अपना गन दिखाकर डराने लगता है। तभी कॉर्नर कहता है कि वो दोनों उसे जिंदा चाहिए। यह सुनकर क्लोई शेरिफ को उसी गन से फेंक कर मारती है। फिर दोनों भाई बहन यहाँ से भागने लगते हैं और अंदर कॉर्नर देखता है कि उसका निकाला गया लीवर उसी के कुत्ते को खिला दिया गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो कॉर्नर उस कुत्ते को फिर से उनके पीछे लगा देता है और उस कुत्ते से बचने के लिए टीजे उस जाली को पार करके भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे करंट लग जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो कुत्ता उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। तो क्लोई उस कुत्ते को हटाने के लिए एक हाथ से उस कुत्ते को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उस जाली को पकड़ती है, जिसकी वजह से उस कुत्ते को शॉक लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद क्लोई को एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है। वह तुरंत ही टीजे को लेकर उसके अंदर चली जाती है और उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है, जिससे कि बाहर से कॉर्नर और शेरिफ खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। तो शेरिफ उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। तभी वहां पर वही माफिया का आदमी मिनिक्स आ जाता है, जो कि लीवर की डिलीवरी लेने आया होता है। उसे देखकर शेरिफ छिप जाता है, तो कॉर्नर जाकर दरवाजा खोलता है तो मिनिक्स अंदर आता है। तो उसे यहां पर शेरिफ की कार दिख जाती है
जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि कॉनर उसे डबल क्रॉस कर रहा है और शेरिफ उसकी सारी बातें सुन लेता है, तो वह तुरंत ही मिनिक्स को शॉटगन से उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर मिनिक्स मरता नहीं है बल्कि वह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर मिनिक्स को अंदर ले जाते हैं ताकि दोनों उसे मार सके, क्योंकि वह जिंदा रहा तो बाहर बात फैल जाएगी कि इन सब में पुलिस भी मिली हुई है, जिसके वजह से उसकी बहुत बदनामी होगी। और यहाँ का सीन टीजे और क्लोई एक डग से देख रहे होते हैं। फिर कॉनर कंट्रोल रूम में जाता है और उस माफिया को फोन करता है और कहता है कि उसका डिलीवरी वाला लीवर खराब हो चुका है और वो दूसरे लीवर को अरेंज करने जा रहा है। ऐसे भी टीजे और क्लोई डग में से बाहर आते हैं और मिनिक्स को डग के रास्ते बेसमेंट में ले जाते हैं और उन्हें जाते हुए कैमरे में कॉनर देख लेता है, जिसके बाद शेरिफ और कॉनर बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर स्लीपिंग गैस को छोड़ देते हैं ताकि तीनों वहीं पर बेहोश हो जाएं। और यहाँ पर क्लोई दो ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाती है जिसे वो टीजे और मिनिक्स को दे देती है और कहती है कि वो दोनों हो सके तो कहीं जाकर छिप जाएं, जिसके बाद वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास रखती है और दूसरी तरफ चली जाती है। और यहाँ पर शेरिफ उसे ढूंढ लेता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसके सामने उसे सिलेंडर को फोड़ देती है जिससे वो सिलेंडर प्रेशर से पीछे की तरफ जाता है जो कि सीधे शेरिफ के मुंह पे लगता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर टीजे को बेहोश करके पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो टीजे के लीवर को निकालने की तैयारी करने लगता है। और माइक द्वारा क्लोई को कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो अपने भाई को बचा ले। उसकी बात सुनकर वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर नहीं होता है तो क्लोई टीजे को खोलने लगती है। तभी उसके पीछे कॉर्नर आ जाता है जो क्लोई को मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच क्लोई के हाथ में वही नाइट्रोजन सिलेंडर लग जाता है जिसे वह सीधे कॉर्नर के फेस पे स्प्रे कर देती है, जिसके वजह से कॉर्नर का चेहरा ही खराब हो जाता है और उस वजह से कॉर्नर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्लोई को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर मिनिक्स भी आ जाता है जो कॉर्नर को एक नाइफ से स्टैब कर देता है और क्लोई भी एक नाइफ को उठाकर उसके सर में स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से कॉर्नर यहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद मिनिक्स उनसे कहता है कि वो यहाँ पर एक लीवर लेने आया था और वो दोनों उसे एक लीवर दे देंगे तो मिनिक्स उनके बदले उसे बहुत पैसा देगा ताकि क्लोई अपने घर को नीलाम होने से बचा पाएगी। और यहाँ पर क्लोई एक फॉरेंसिक स्टूडेंट होती है तो वह तुरंत ही कॉर्नर के लीवर को निकाल लेती है जिससे वह मिनिक्स को दे देती है, जिसके बाद मिनिक्स उन्हें बहुत सारा पैसा देता है क्योंकि उसे सिर्फ ऑर्गन से मतलब होता है, चाहे देने वाला कोई भी हो। फिर तीनों वहां से बाहर निकलते हैं, जहां पर टीजे को क्लोई रोज का फोन दिखाती है जिससे कि वह कैसे भी करके चुरा लाई थी। फिर तीनों यहां से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।